हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बाज़ बंदों से इस तरह माज़रत फरमाएगा जिस तरह दुनिया में तुम आपस में करते हो। एक फकीर से अल्लाह फरमाएगा, मैंने दुनिया में तुझे गरीब बनाया इसलिए नहीं कि मेरी नज़र में तू हकीर था, बल्कि दुनिया की बजाय यहाँ आखिरत में तेरे दर्जे बुलंद कर दिए और एक मखसूस एजाज बख्शना था। बहुत से लोग जहन्नम वालों की सफ में खड़े हैं, उनके पास जा और जिस जिसने दुनिया में तेरी मदद की हो उसका हाथ पकड़कर जन्नत में ले जा, चुनांचे वो बहुत से लोगों को सबसे निकाल कर जन्नत में दाखिल कर देगा। ये है वो एजाज जो दुनिया की तकलीफों के बदले में साहिब फ़क्र को मिलेगा। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरीबों से बहुत मोहब्बत करो, उनके पास बहुत बड़ी दौलत है। लोगों ने अर्ज किया, वो कौन सी दौलत है? इरशाद फरमाया, कयामत में उनसे कहा जाएगा, जिसने तुझको रोटी का एक टुकड़ा, पानी का एक घूंट दिया हो उसको अपने साथ जन्नत।